राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। ऐसे लंका में अकेले विभीषण शरणागत भक्त हैं भगवान के। उत्तम कोटि के साधक हैं, उत्तम कोटि के साधक। आप कहेंगे उत्तम कोटि का साधक कौन है? किसी भी विकट से विकट, प्रतिकूल से प्रतिकूल, विक्षेपकारी परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर भी जिसके चित्त में विक्षेप ना आवे, जिसके साधन में विक्षेप उपस्थित न हो, उसको कहते हैं उत्तम कोटि का साधक। यहाँ हमारे लिए सर्वविध अनुकूलता भगवत कृपा से प्राप्त है। कोई मने नहीं कर रहा है, कोई मने कर रहा है भजन के लिए। कोई बाधा नहीं है, कोई मने नहीं कर रहा है, फिर भी हमारे भजन में बाधा है, क्योंकि हमारी भजन में रुचि नहीं। और लंका, लंका जैसी जगह में रह करके भीषण जी का साधन बिना किसी विक्षेप के चल रहा है, उत्तम कोटि का साधन। उन विभीषण के संबंध से भगवान लंका वासियों का भरण पोषण कर रहे थे। लंका की सुख समृद्धि का मूल था विभीषण की उपस्थिति, और विभीषण की उपस्थिति की महिमा ऐसी भई उसका मूल था विभीषण भगवान के शरणागत भक्त हैं। और महाराज जी, लंका यथावत है। लंका में कहीं कोई कोर कसर नहीं है। लंका वासियों में भी कोई अंतर नहीं आया, न लंका में अंतर आया। और जैसे ही रावण ने लात मार कर विभीषण को भगाया, भक्त का संबंध समाप्त हो गया। भक्त का संबंध समाप्त होते ही रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण भयउ विभव बिन तब ही अभागा। कही चला विभीषण जब ही, आयो हीन भय सब तब ही, आयो हीन भय सब तब ही, आयो हीन भय सब तब। किसी भी परिवार का, किसी भी गांव का, किसी भी जनपद का, किसी भी प्रांत का, किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि उसमें कोई ना कोई भगवान का भक्त है। जिस कुल में भक्त नहीं रह जाएगा वह कुल नष्ट हो जाएगा, जिस गांव में भक्त नहीं रह जाएगा वह गांव नष्ट हो जाएगा, जिस
शहर में भक्त नहीं रह जाएगा वह शहर नष्ट हो जाएगा, जिस प्रांत में भक्त नहीं रह जाएगा वह प्रांत नष्ट हो जाएगा, जिस देश में कोई भक्त नहीं रह जाएगा वो देश नष्ट हो जाएगा। इस अहंकार में मत भूलो कि हम ही भारत देश में ही लोग भक्त हैं। अन्य देशों का अस्तित्व भी इसलिए है कि कोई न कोई वहाँ भक्त अवश्य है, भले ही वह प्रसिद्ध नहीं है, हम नहीं उसे जानते हैं, पर सर्वांतर्यामी भगवान से छुपा हुआ नहीं है, जरूर वहाँ भले ही उसका मतपंथ कोई दूसरा हो पर वह जरूर महान भक्त है, उस भक्त के कारण वहाँ की समृद्धि है। पूज्य श्री गोकुल भवन वाले परमन जी महाराज के जीवन चरित्र में, उनके अनुभव वाणी में ऐसे तमाम चरित्र हैं कि नहीं, जो भारत की धरती के बाहर भी अनेक अन्य मत पंथों के भी अनेक साधक, अनेक भक्त, अनेक संत उनको मिले हुए हैं, उनसे उनका सत्संग हुआ, उनसे उनका संवाद हुआ। इसका मतलब क्या है कि उन देशों में संत न होते तो मिलते कैसे। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता।